हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ मार्केट में मिलने वाले ब्लूटूथ यूएसबी किट के बारे में। तो दोस्तों, मार्केट में हमें करीब 3 प्रकार के यूएसबी किट मिलते हैं, और जिसमें से दोस्तों आप देख सकते हैं यह एक कंप्लीट यूएसबी किट है, और इसमें हमें साथ में एक रिमोट मिलता है। और रिमोट में दोस्तों, आप जब भी नया यूएसबी किट लेते हैं तो एक दोस्तों रिमोट में पेपर लगा होता है बैटरी के बीच में, और दोस्तों जब तक इस पेपर को आप नहीं हटाते हैं तब तक आपका रिमोट वर्क नहीं करेगा। और दोस्तों, इस कंप्लीट यूएसबी ब्लूटूथ किट को लेने का फ़ायदा क्या है, इसमें दोस्तों आप डायरेक्ट जो है मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, और साथ साथ दोस्तों इसमें यूएसबी सॉकेट वगैरह दिया गया होता है, मोबाइल से दोस्तों आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं, और दोस्तों इसमें बटन वगैरह भी दिया गया होता है। और आपको यदि FM चलाना है तो दोस्तों एक वायर देख सकते हैं रेड कलर का, इससे दोस्तों आपको FM के लिए दिया गया होता है। दोस्तों ये FM के लिए एंटीना का काम करता है, और दोस्तों जो 3 वायर हैं ये ऑडियो के लिए हैं, और दोस्तों इसे ऑन करने के लिए दोस्तों आप देख सकते हैं 2 वायर दिया गया है इसे चालू करने के लिए, और 5 वोल्ट का सप्लाई दोस्तों इसे देना होता है। और सिंपल सा दोस्तों, मैं इसे आपको एक बैटरी से भी ऑन करके दिखा देता हूँ। मेरे पास एक 3.7 वोल्ट की बैटरी है, देख सकते हैं दोस्तों 1200 मिली एम्पियर की बैटरी है, और एक बैटरी से भी दोस्तों इसे आप चला सकते हैं। इसका मतलब कि इसे दोस्तों यदि आप एक छोटे से प्लास्टिक के डब्बे के अंदर दोस्तों तैयार करना चाहते हैं तो आप तैयार कर सकते हैं। आपको मार्केट से एक 5 वोल्ट का ऑडियो किट दोस्तों लेना पड़ेगा, और इसे दोस्तों आप कंप्लीट जो है एक प्लास्टिक के बॉक्स में कंप्लीट करके और कहीं भी ले जाकर दोस्तों ऑडियो वगैरह जो है गाने वगैरह सुन सकते हैं। इसे चालू करने के लिए करीब 4 वोल्ट और 5 वोल्ट के लगभग दोस्तों इसे DC वोल्ट चाहिए, और दोस्तों मार्केट में करीब हमें 100 रुपये में यह किट मिल जाता है। और इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं मार्केट में आपको एक और दोस्तों ब्लूटूथ वाला किट मिलेगा, और जिसमें कि आपको एक केवल दोस्तों किट बस मिलता है, और देख सकते हैं आपको दोस्तों साथ साथ एक रिमोट भी मिलेगा, और खाली दोस्तों एक किट बस मिलेगा, और इसमें दोस्तों आपको अलग से सेंसर और एक रेगुलेटर IC 7805 दोस्तों आपको मिलेगा, और इसमें दोस्तों आपको USB का कनेक्शन, सेंसर का कनेक्शन, सब कुछ दोस्तों आपको अलग से जो है करना होता है। और इसके अलावा एक तीसरे प्रकार का जो ब्लूटूथ डिवाइस है दोस्तों, आपको सबसे छोटा मार्केट में मिलेगा, और आजकल दोस्तों यह सबसे ज़्यादा चल रहा है। इसे आप अपने होम थिएटर पर, TV पर, DTH पर, ओल्ड पड़े CD प्लेयर पर दोस्तों आप इसे कहीं भी बड़ी आसानी से 3 वोल्ट सप्लाई देकर भी दोस्तों इसे आप बड़ी आसानी से इंस्टॉल कर सकती हैं।